सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। खामोशी पर मत जाओ दोस्तों, राग के नीचे अक्सर दाग दबी होती है। साथ निभाने वाले हालात नहीं देखा करते। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। तेरे कर्म अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर मथुरा काशी है। आज का पंचांग 25 अगस्त 2021 दिन बुधवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि, सम 4:18 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्र रात्रि 8:48 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:28 से 2:03 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। तुला राशि 25 अगस्त 2021 दिन बुधवार, आज अपने सिद्धांतों की व्याख्या और पुनर्मूल्यांकन का दिन है। आप पिछले फैसलों के लिए खुद से और अपने साथी से भी सवाल कर सकते हैं, फिर भी आप उसके प्रति बहुत अच्छे बने रहेंगे और उससे भी बदले में यही उम्मीद रखेंगे। जब पुराने विचारों में कोई काम बनता दिखाई ना दे रहा हो तो नए विचारों को अपना लेने में बुराई नहीं है। किसी की हालिया मृत्यु या दुर्घटना से आपको तनाव हो सकता है। धोखे या छल से बचने के लिए सावधानी बरतें। अगर अकेला महसूस कर रहे हैं तो किसी क्लब या सामाजिक कार्यक्रम में भाग लें। जो भय आपको परेशान कर रहा है उसका सामना करें। हंसमुख मनोदशा, अच्छा स्वास्थ्य और आराम आपको काम करने में मदद करेंगे। अपने काम से पहचान मिलेगी और आप अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे। छोटी समस्याओं में न उलझें। कार्य, दूसरों की भलाई और अच्छी आदतों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। याद रखें, जो हम बोएंगे वही काटेंगे। बच्चे की शिक्षा व करियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से हो जाएगा, जिससे काफी हद तक तनाव मुक्त महसूस करेंगे। अगर कोई विवादित संपत्ति संबंधित मामला है तो वह किसी की मध्यस्थता से हल हो सकता है, इसलिए उसके लिए प्रयासरत रहें। आर्थिक बातों में प्रगति नजर आएगी। बच्चों के जरिए कई सारी तकलीफ आज आपकी दूर हो सकती है। नए कार्य की शुरुआत आपको लाभ दिलाएगी। व्यक्तिगत बातों को सुधारने के लिए भी आप प्रयत्न करना शुरू करेंगे। इन प्रयत्न पर टिके रहने के लिए आपको योग्य मार्गदर्शन और सलाह भी प्राप्त होगा। सोना और अन्य धातु से जुड़ी हुई व्यापार में बड़ा फायदा नजर आ सकता है। आपको किसी भी प्रकार का तनाव या मानसिक तकलीफ ना हो, इस बात का ध्यान पार्टनर के द्वारा पूरी तरह से रखा जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अपेक्षा से अधिक खर्च हो सकता है। रेवेन्यू सेवा के कार्मिकों को अनुकूलता रह सकती है। घूमने के लिए योजना बना सकते हैं। हड्डी संबंधी समस्या रह सकती है। काम से संबंधित बाजार से पैसा उठाने का विचार बना रही हैं तो ऐसा कर लीजिए। अटका पैसा मिल सकता है। ऐशो आराम की चीज खरीद सकते हैं। यात्रा में या घर से दूर ऐसा नया परिचय बन सकता है जो आगे जाकर निकटता में बदल सकता है। अविवाहितों के लिए खुश होने का अवसर आ सकता है। सिर भारी भी रह सकता है। सावधानियां। आकस्मिक ही कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे जिन पर कटौती करना भी संभव नहीं, इसलिए धैर्य और संयम से काम लें। किसी के साथ भी गलतफहमी के कारण रिश्तों में कटुता न आने दें। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, परंतु प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां उपज सकती है। एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखना अति आवश्यक है। अपने साथी के साथ सकारात्मक वार्तालाप करने का प्रयास करें। आपने वास्तव में उपयुक्त तरीके से अपने साथी के साथ वार्तालाप नहीं की है और अभी तक आप आनंद और अपने रिश्ते को हल्के में ले रही थी। ये समय है कि आप दोनों किसी प्राकृतिक जगह पर जाएं, ताकि ऐसी जगह जाने से आप दोनों में सकारात्मक ऊर्जा और भावना का संचार हो।
जिससे आप दोनों को खुलने में मदद मिलेगी, आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। अगर आप सिंगल है तो आज आपके दिल की चोरी होने की पूरी संभावना है। तैयार रहे जिंदगी के नए अनुभव के लिए जो आपको स्वप्न लोक में ले जाएगा। पार्टनर को खुश करने के लिए रोमांटिक गाना याद करना ना भूलें। क्लब या सोसाइटी में शामिल होकर नए अवसर प्राप्त होंगे। आप और आपका पार्टनर ये अच्छे से जानते हैं कि यह समय आपके लिए अच्छा है। आप आज किसी खास के प्रति आकर्षित महसूस करेंगे। अगर ऐसा है तो अपने दिल की बात करने में देर ना करें। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उन्हें अपनाते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। बात करते हैं करियर की। लक आपके जीवन में नई उम्मीदें लेकर आया है। दोस्तों के साथ मस्ती और रिश्तों में छेड़खानी भी आज शामिल है। अचानक कई घरेलू मुसीबतों का आप मिलकर सामना करेंगे। आय के नए साधनों से लाभ होगा। आप जानते हैं कि लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए अपने संपर्कों का लाभ उठाएं। आपका खुशनुमा मूड और आपके काम करने का तरीका दोनों आपके लिए सहायक हैं। आपके आसपास के लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अपने कीमती वक्त और ऊर्जा को बड़े डील्स के लिए बचा कर रखें। एक नई आदत या शौक विकसित करने पर विचार कर सकते हैं। याद रखें, जैसे आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। यह आपके लिए एक महान दिन है। आप दूसरों को अपने विचारों और अवधारणाओं को पेश करने के लिए इस अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हो सकता है कि आपकी मासूमियत और ईमानदारी व्यंग और आक्रामकता के रूप में लोगों को लगे, क्योंकि लोग आपसे ज्यादा परिचित नहीं हैं। इसलिए सावधान रहे, क्योंकि हो सकता है स्थिरता उस अनुपात में आपका साथ ना दे। ऐसे में ग्रह स्थितियाँ व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक स्थितियाँ बना रही है, इसलिए कामकाज के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। ऐसे में बेहतरीन ऑर्डर भी प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों का अपने बॉस व उच्च अधिकारियों के साथ किसी बहस में पड़ना नुकसानदायक रहे। बात करते हैं सेहत की। अपने जीवन शैली को व्यवस्थित रखें। किसी भी प्रकार की गलत आदत आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। अष्टन जुखाम वायरस संक्रमण और दूसरी तरह के सभी संक्रमणों से सावधानी पूर्वक बचें। आप पिछले कुछ समय से प्रदूषित वातावरण में काम कर रहे हैं और इसके दुष्प्रभाव अब सामने आएंगे। संक्रमणों से बचने के लिए वैकल्पिक उपाय और घर के नुस्खे अजमाएं। इनसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। अब जीवन शैली में बदलाव भी लाभकारी सिद्ध होगा। आज का उपाय, आज अब गाय को रोटी खिलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।